ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में, हाउ टू एक्सपोर्ट टू हाइटी। हाइटी एक देश है, एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, कैरिबियन आइलैंड नेशन है, कैरिबियन एरिया में, अटलांटिक सी में, अटलांटिक ओशन में एक छोटा सा देश है, उसका नाम है हाइटी। हाउ टू एक्सपोर्ट टू हाइटी। हाइटी जो है एक कैरिबियन नेशन है और हाइटी का जो राजधानी, हाइटी का जो कैपिटल है पोर्ट ओ प्रिंस उसका राजधानी है। और इस देश का पॉपुलेशन है 1.14 करोड़ का पॉपुलेशन है, यानी 1 करोड़ 14 लाख का पॉपुलेशन है। और इस देश का लैंग्वेज है फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच जो इन देश का लैंग्वेज है। और इस देश का करेंसी है हाइसियन गोल्ड जो है इस देश का करेंसी का नाम है। हाइसियन गोल्ड जो है इंडियन करेंसी में थोड़ा कम है, यानी आज के तारीख में हाइटी का जो करेंसी है हाइसियन गोल्ड को अगर आप कन्वर्ट करोगे 1 इंडियन रुपीस हाइसियन गोल्ड में मिलेगा 1.73, यानी हमारा 1 इंडियन रुपीस 1 रुपया अगर हाइसियन गोल्ड यानी हाइटी में आप कन्वर्ट करोगे तो वहाँ का करेंसी में आपको मिलेगा 1.50 पैसा वहाँ पर मिलेगा, ठीक है, यानी इंडियन करेंसी हाइसियन गोल्ड से ज़्यादा है, ठीक है। और इसका जो लोकेशन है, हाइटी का लोकेशन है कैरिबियन कंट्री है। और इसका नेबरिंग कंट्रीज है, इमीडिएट कंट्री नेबरिंग कंट्री है जमाइका है, बहामास है, और जमाइका उनका इमीडिएट नेबर है, और बहामास है, और बहुत सारे छोटे मोटे जो कैरिबियन नेशन है उनका नेबरिंग कंट्रीज है। हाइटी छोटा सा देश है और फ्रेंच उसका लैंग्वेज है, इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। हाइटी का टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उनका इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है, बाढ़ आता है, स्टॉर्म्स आता है, हरिकेन्स आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, यानी नेचुरल कैलमिटीज, नेचुरल प्रॉब्लम्स होता है, जो जैसे कि बाढ़ आता है, स्टॉर्म्स आता है। इसलिए इस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पोर है और नौकरी का प्रॉब्लम है, जॉब्स का प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइसियन लोग माइग्रेट करना चाहते हैं, दूसरे देश जाना चाहते हैं नौकरी करने के लिए। और इस देश का जैसे बता दिया पॉपुलेशन ज़्यादा है, 1 करोड़ 14 लाख का पॉपुलेशन है, और इंडिया के लिए, भारत के लिए एक अच्छा देश है एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि भारत सरकार इंडिया का गवर्नमेंट एंड हाइटियन गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशन है। उनका गवर्नमेंट को, हमारा गवर्नमेंट इंडिया ने काफ़ी सारे सपोर्ट किया है फाइनेंशियली, और बहुत सारे जो फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, मेडिसिन एंड बहुत सारे जो प्रोडक्ट फ्री में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई किया था, उनका जो हरिकन आया था, उनका जो स्टॉर्म्स वगैरह आया था, इंडियन गवर्नमेंट मेडिसिन वगैरह करीब $50,000 के अबव, 5 लाख डॉलर के अबव मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट इंडियन गवर्नमेंट उनको ऑफर सप्लाई किया था। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हाइटियन गवर्नमेंट के साथ अच्छा आपका हमारा रिलेशन है। और हाइटी जो है उनका नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कम है, इसलिए उनका करेंसी बहुत गिरा हुआ है। और इंडिया जो है, भारत, इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एक्सपोर्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे प्रोडक्ट हाइटी को एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से आपका जो मेडिसिन यानी हेल्थ केयर प्रोडक्ट ज़्यादा है। 2020 में इंडियन एक्सपोर्टर यानी इंडिया 89 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। इंडिया टू हाइटी जो एक्सपोर्ट हुआ था 2020 में 89 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट बिजनेस हुआ था, इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट किए थे टू हाइटी, और उसमें से करीब 21 मिलियन डॉलर खाली हुआ था आपका जो एक्सपोर्ट हुआ था मेडिसिन में, ठीक है। तो इसलिए मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट में ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हो, हेल्थ केयर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो हाइटी आपके लिए अच्छा कंट्री है। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर इम्पोर्ट होती है, जैसे अफ्रीकन कंट्री इंडिया से इम्पोर्ट करती है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट, तो हाइटी आपके लिए लाभदायक होगा। जैसा कि बता दिया 2020 में इंडिया एक्सपोर्ट किया था 89 मिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया था, उसमें 21 मिलियन डॉलर आपका मेडिसिन में खाली हुआ था, 21 मिलियन डॉलर, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा कि इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है टू हाइटी। तो अभी फिलहाल मैं बताऊंगा हाइटी के पास कितने सारे सीपोर्ट्स और कितने सारे एयरपोर्ट्स है। उसके पास, हाइटी के पास करीब 7 से लेकर 9 सीपोर्ट्स है और करीब 17 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स है,
ठीक है, तो जो हाइटी को मदद करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अभी आपको मैं लिस्ट करके बताऊंगा कितने सारे सी पोर्ट्स है, द लिस्ट ऑफ सी पोर्ट्स, द लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट्स ऑफ हाइटी। तो आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए काम आएगा, आने वाले दिनों में काम आएगा। जब आपको हाइटी से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, आप हाइटी एक्सपोर्ट करना चाहोगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाइटी के पास कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है जो आप हाइटी को एक्सपोर्ट करना चाहोगे। तो मैं जितने सारे एयरपोर्ट सी पोर्ट्स दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, आप आपका कंप्यूटर लैपटॉप में आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। सो मैंने आपको लिस्ट करके बता दिया हाइटी के पास कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है। तो एयरपोर्ट्स जितने सारे बता दिया ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स है, और जितने सारे सी पोर्ट्स बता दिया सी पोर्ट्स ओला ऑपरेशनल। तो कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा बाई सी कार्गो और एयर कार्गो, क्योंकि हाइटी जो काफ़ी दूर है और आपके पास इंडिया टू हाइटी रोडवेज रेलवेज नहीं है, समुंदर के मार्ग में आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो आपको सहारा लेना पड़ेगा बाई सी कार्गो एंड एयरलाइंस, एयर कार्गो के ऊपर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ एयरलाइंस, सॉरी द लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू हाइटी। तो जितने सारे शिपिंग कंपनीज आपको गूगल में दिखाई देंगे, आप उसमें शिपिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो पोर्ट बता दीजिए, आपका पोर्ट कौन सा है, भारत में आपका पोर्ट कौन सा है, आपका पोर्ट कौन सा, चेन्नई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, मुद्रा पोर्ट है, कौन सा पोर्ट बता दीजिए, और हाइटी में कौन से पोर्ट को एक्सपोर्ट करना है। तो शिपिंग लाइंस को, शिपिंग कंपनीज को बता दीजिए, शिपिंग कंपनीज आपको प्राइस बता देगा, नहीं तो आपको हमेशा मैं आपको बताता हूँ, भारत का एक अच्छा साइट है, अच्छा सी सॉरी पोर्टल है, कार्गो पोर्टल है, www.cargoport.com एक अच्छा कार्गो पोर्टल है। इसमें आप सर्च कर लीजिए, इसमें सर्च करके आपका इंडिया का पोर्ट लिखिए, हाइटी का पोर्ट लिखिए, आपको बहुत सारे शिपिंग कंपनीज का प्राइस दिखाई देगा और कंटेनर का प्राइस दिखाई देगा। आप इसी वेबसाइट में आप बुकिंग कर सकते हो, 20 फीट 40 फीट कंटेनर बुकिंग कर सकते हो, बुकिंग करके इंडिया टू हाइटी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये जो साइट है cargoport.com अच्छा साइट है, इसलिए आपको बता दिया, ये कोई स्पॉन्सर साइट नहीं है, हमारे स्पॉन्सर नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता दिया क्योंकि मैंने खुद चेक किया है, cargoport.com इंडिया का अच्छा साइट है। अगर इंडिया से आप कोई भी एक्सपोर्टर इंडिया से हो या इंडिया के नेबरिंग कंट्री से हो, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप cargoport.com को यूज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरे है एयरलाइंस के थ्रू एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ एयरलाइंस ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू हाइटी, द लिस्ट ऑफ एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू हाइटी। बहुत सारे एयर कार्गो कंपनीज एयरलाइंस आपको दिखाई देंगे इंडिया टू हाइटी। इंडिया टू हाइटी डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, बहुत सारे फ्लाइट्स जो भाया यूरोप होकर जाती है, और बहुत सारे फ्लाइट्स भाया अमेरिका कनाडा होकर जाती है। तो जितने सारे एयरलाइंस भाया होकर ट्रैवल करता है, भाया होकर फ्लाई होता है टू हाइटी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए। तो ये एयरलाइंस को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो हमारा इंडिया का एयरलाइंस के साथ इन्हीं एयरलाइंस का टाइप रहता है, तो आप इन्हीं एयरलाइंस के जरिए आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए, ईमेल के जरिए उनको कॉन्टैक्ट करिए, उनका कार्गो सेक्शन को कॉन्टैक्ट करिए, फिर आप एयर कार्गो के जरिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू हाइटी। नहीं तो एयर कार्गो कंपनीज, बहुत सारे एयर कार्गो कंपनीज होते हैं, जैसा कि आपका DHL हो गया, UPSC हो गया, और आपका ब्लू डार्ट हो गया, बहुत सारे एयर कार्गो कंपनीज होते हैं, और आपको आपका जो दुबई में भी बहुत सारे एयर कार्गो कंपनीज रहते हैं, एमिरेट्स एयर कार्गो है, बहुत बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयर कार्गो है, एमिरेट्स एयर कार्गो है, तो एमिरेट्स एयर कार्गो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और बहुत सारे कार्गो कंपनीज है, आप गूगल में सर्च कर लीजिए द लिस्ट ऑफ कार्गो कंपनीज इन इंडिया, द लिस्ट ऑफ एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू हाइटी, तो सर्च कर लीजिए, तो आप बहुत सारे कार्गो कंपनीज दिखाई देंगे, तो उनको साथ कॉन्टैक्ट करके आप हाइटी को एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो ये हो गया, बता दिया हाँ आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, बाई एयर कार्गो एंड सी कार्गो। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा हाइटी जो है क्या एक्सपोर्ट करता है क्या इंपोर्ट करता है। ये बहुत ज़रूरी है, कोई भी देश को एक्सपोर्ट करने से पहले उस देश क्या एक्सपोर्ट करता है क्या इंपोर्ट करता है वो जानना आपके ज़रूरी है। तो आपको मैं लिस्ट करके बता रहा हूँ, देख लीजिए, हाइटी एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। तो हाइटी एक्सपोर्ट क्या करता है, हाइटी एक्सपोर्ट करता है अपैरल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, एसेंशियल ऑयल, कोकोआ, मैंगोज, कॉफ़ी, बिटर ऑरेंज, ये उनका एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट पार्टनर्स कौन है, अमेरिका, कनाडा उनका एक्सपोर्ट पार्टनर है, यानी इस कंट्री को अमेरिका कनाडा को ज़्यादा हाइटी एक्सपोर्ट करता है। और इम्पोर्ट पार्टनर है उनका नेदरलैंड्स और चाइना, तो ये उनका इम्पोर्ट पार्टनर्स है। और क्या क्या इम्पोर्ट करता है हाइटी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मोस्टली इम्पोर्ट करता है राइस, ठीक है, कॉटन फैब्रिक्स, वेजिटेबल ऑयल, वेट, ठीक है, कैन शुगर, मिल्क, आयरन एंड स्टील, चिकन, व्हीकल्स, फ्यूल, ये जो है उनका मेन प्रोडक्ट है, ये इंपोर्ट करता है हाइटी। और उसका इंपोर्ट पार्टनर है, कहाँ से इंपोर्ट करता है, डोमिनिकन रिपब्लिक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, ठीक है, ये जो कंट्रीज है इंपोर्ट करता है। सो आपको मैं लिस्ट करके बता दिया कि हाइटी क्या एक्सपोर्ट करता है क्या इंपोर्ट करता है। ठीक है, ज़्यादा राइस इंपोर्ट करता है, 1,14,00,000 का पॉपुलेशन है, एक अच्छा पॉपुलेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का लोग राइस ईटर है, इसीलिए राइस एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया आपको ध्यान देना चाहिए, आपको राइस एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इंडिया से कोई भी फूड प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, स्टील कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, एंड आपका जो कॉटन फैब्रिक्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इंडिया ज़्यादा करके जो बता दिया, इंडिया $89 मिलियन का एक्सपोर्ट किया 2020 में, एक अच्छा माइलस्टोन है, अच्छा एक्सपोर्ट किया है, अच्छा 89 मिलियन डॉलर मतलब अच्छा टारगेट है, और ज़्यादा आपको आगे बढ़ाना चाहिए एक्सपोर्टर्स को। और आपको अभी बताऊँगा इंडिया इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो हाइटी मैं आपको लिस्ट करके बताऊंगा। आप क्या करिए, आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में, आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए, ताकि आपको मालूम पड़ेगा इंडिया से क्या क्या प्रोडक्ट हाइटी को एक्सपोर्ट हो रहा है, ताकि आप उस हिसाब से प्रोडक्ट को सोर्स करके हाइटी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट कर लीजिए, मैं आपको हमारा कंप्यूटर स्क्रीन में दिखा रहा हूँ।
सो आपको मैंने लिस्ट करके बता दिया, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू हाइटी। हाइटी को इंडिया का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, करते आ रहे हैं, आपको लिस्ट करके बता दिया, ताकि आप इन्हीं प्रोडक्ट को सोर्स करके भारत का, भारत से आप सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर सकते टू हाइटी, ठीक है। ताकि आपको मालूम पड़ेगा अगर आप नए एक्सपोर्टर्स हो सकते हो, या आप स्टार्टअप कंपनी हो सकते हो, या आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट शुरू करना चाहते हो, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होता है टू हाइटी। तो आप इसको लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर लैपटॉप में, और फिर इसी प्रोडक्ट को आप इंडिया से सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू हाइटी। अगर आपको सोर्सिंग मालूम है हाउ टू सोर्स प्रोडक्ट, तो आप सोर्स कर सकते हैं। अगर आपको सोर्सिंग मालूम नहीं है, तो आप हमारा ये जो सोर्स आपको दिखा रहा हूँ, इंडिया का टॉप 20 B2B ट्रेड पोर्टल है, आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, इन्हीं वेबसाइट है B2B ट्रेड पोर्टल से, इन्हीं वेबसाइट को आप लिस्ट कर लीजिए। इसमें वन बाय वन वेबसाइट को आपका कंप्यूटर में आप खोलिए, खोलने के बाद आप सर्च करिए, प्रोडक्ट सर्च करके आप इंडिया का कोई भी स्टेट से, कोई भी सिटी से ये प्रोडक्ट को सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू हाइटी। सो आपको बता दिया इंडिया का टॉप 20 ट्रेड पोर्टल्स। B2B ट्रेड पोर्टल्स क्या होता है? B2B ट्रेड पोर्टल्स होता है जहाँ पर एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं एक ऑनलाइन बुक में, ऑनलाइन साइट में रजिस्टर करते हैं, ताकि एक दूसरे के काम आ जाए, ठीक है। एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स, ये चार जो कम्युनिटी है, चार जो कंपनीज है, चार पार्टनर्स है, तो ये लोग क्या करते हैं, B2B ट्रेड पोर्टल्स में रजिस्टर करते हैं और अपने अपने कंपनी को लिस्ट करते हैं। तो लिस्ट करने के बाद क्या होगा, एक्सपोर्टर्स लिस्ट करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को और इंपोर्टर्स को ढूंढने के लिए, और मैन्युफैक्चरर्स लिस्ट करते हैं ताकि वहाँ से उनका फैक्ट्री से एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स खरीदे उनका प्रोडक्ट को, और ट्रेडर्स लिस्ट करते हैं ताकि वो बिजनेस मिले और मैन्युफैक्चरर्स से कॉन्टैक्ट करके वो बाय करे उनका प्रोडक्ट को। तो इसलिए B2B ट्रेड पोर्टल्स वर्ल्ड का टॉप B2B ट्रेड पोर्टल्स होते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। तो ये जो वीडियो B2B ट्रेड पोर्टल्स बता दिया, ये इंडिया का टॉप 20 ट्रेड पोर्टल्स है, इसमें आप रजिस्टर कर लीजिए, रजिस्टर करके आप प्रोडक्ट सोर्स करिए, फिर हाइटी को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, हाइटी एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो कैसे आपको हाइटी से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, ये मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है, मेन आपका क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हर एक्सपोर्टर्स को चाहते हैं कैसे आपको, कैसे उनको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिले। मुझे काफ़ी सारे मुझे ईमेल्स आते रहते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं कि कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। मैं हर वीडियोज़ में आपको समझाते रहता हूँ एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे मिलेगा, जिस देश का, जिस कंट्री का मैं वीडियो बनाता हूँ, उस कंट्री को, कंट्री से कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, मैं पूरी डिटेल्स में आपको समझाते रहता हूँ। तो आप मेरे वीडियोज़ को देखते हो तो पूरी डिटेल्स में देखिए, समझिए, तो फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केटिंग करिए, ऑनलाइन मार्केटिंग करिए, ऑनलाइन मार्केटिंग करोगे तो आपको इजीली एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। तो आपको कैसे हाइटी से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। तो फर्स्ट तरीका है, आप गूगल में सर्च करिए हाइटियन कंपनीज, द लिस्ट ऑफ हाइटी कंपनीज, आप गूगल में सर्च करिए। तो जैसे कि आप राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ राइस इंपोर्टर्स, द लिस्ट ऑफ राइस ट्रेडर्स, द लिस्ट ऑफ राइस बायर सेलर्स, ऐसे करके सर्च करिए गूगल में, हाइटी का सर्च करिए, द लिस्ट ऑफ राइस इंपोर्टर्स ऑफ हाइटी, द लिस्ट ऑफ राइस राइस ट्रेडर्स ऑफ हाइटी, ऐसा सर्च करिए। तो हाइटी के जितने सारे कंपनीज इंपोर्ट करते हैं, तो आपको हो सकता है गूगल में मिल जाएगा, अगर मिलेगा तो आप उनको ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकंड तरीका हो गया, आप गूगल में आपको ऑनलाइन में डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप हाइटी को टारगेट करिए। डिजिटल मार्केटिंग में जैसा गूगल एड हो गया, गूगल सर्च इंजन एड, बहुत सारे तरीका होता है, वो टारगेट करोगे तो हाइटी में क्या होगा, सर्च इंजन में, गूगल सर्च इंजन में आपका कंपनी दिखाई देगा, फिर गूगल का हाइटी का जो इंपोर्टर्स होते हैं, फिर आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप राइस एक्सपोर्टर हो तो आप गूगल एडवर्टाइजमेंट, गूगल सर्च इंजन में एडवर्टाइजमेंट करिए, गूगल सर्च इंजन में ऐड करोगे तो आपका जो राइस का कंपनी है, राइस का एक्सपोर्ट कंपनी है, तो आपका राइस गूगल में ऐड हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही हाइटी में कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन, कोई भी इम्पोर्टर्स, राइस इम्पोर्टर्स, कोई भी पर्सन गूगल में सर्च करता है राइस एक्सपोर्टर्स वर्ल्ड वाइड, जब सर्च करेगा, जैसे कि कोई वर्ल्ड का जो टॉप 10 में राइस एक्सपोर्टर्स होते हैं, चाइना, इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, तो उसमें से वो
सर्च करेगा राइस एक्सपोर्टर्स, द लिस्ट ऑफ राइस एक्सपोर्टर्स कंट्रीज, अगर सर्च करता है तो फिर आपका कंपनी उनको दिखाई दे सकता है, इंडिया दिखाई देगा, फिर आपका कंपनी दिखाई देगा, फिर हो सकता है वहाँ का इंपोर्टर सबको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह हो गया गूगल सर्च, गूगल सर्च के जरिए आपका कंपनी उनको मिलेगा। और दूसरा हो गया आपका गूगल एडवर्टाइजमेंट, गूगल एडवर्टाइजमेंट हो गया आप राइस का, आपका राइस का कंपनी अगर होता है या कोई भी आपका एक्सपोर्ट कंपनी हो तो आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का एक एडवर्टाइजमेंट बनाया जाएगा। फिर वो एडवर्टाइजमेंट आईटी का हर एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर में, हर एक ऑनलाइन साइट में उनको एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, टारगेट ऑडियंस को दिखाई देगा। टारगेट ऑडियंस हो गया, अगर आप गारमेंट एक्सपोर्ट करते हो तो गारमेंट इंपोर्टर्स को दिखाई देगा, आपको दूसरे किसी को दिखाई नहीं देगा। अगर राइस एक्सपोर्ट करते हो तो राइस इंपोर्टर्स को दिखाई देगा, दूसरे किसी को दिखाई नहीं देगा। ये कहते हैं टारगेट ऑडियंस। तो ये डिजिटल मार्केटिंग, जो अच्छे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी होते हैं, एजेंसी होते हैं, उनको ही मालूम रहता है। तो टारगेट ऑडियंस के द्वारा अगर एडवर्टाइजमेंट करोगे, मार्केटिंग करोगे, डिजिटल मार्केटिंग करोगे, तो आपको हाईटी से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है, हाईटी से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। इसके लिए पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा, मिनिमम अगर महीने में, एक महीने में 20,000 से लेकर 30,000 आप खर्चा करोगे तो साल का 2 लाख से लेकर 3 लाख आप टारगेट रखिए, 2-3 लाख रुपया साल में आप खर्चा करोगे तो आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। हाईटी से लेकर कोई भी कंट्री से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। लेकिन आपको अमेरिका, कैनेडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो कंट्री का करेंसी ज़्यादा है, उस कंट्री का मार्केटिंग करने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए। क्योंकि मार्केटिंग, जब आप टारगेट ऑडियंस को ढूंढोगे, टारगेट ऑडियंस के लिए पैसा आपका जो लिंक होता है, क्लिक होता है, क्लिक में ज़्यादा पैसा जाएगा, क्योंकि डॉलर में पे करना पड़ता है, ज़्यादा पैसा लगेगा उसको। अफ्रीकन कंट्री में कम पैसा लगेगा, आपका एशियन कंट्री में कम पैसा लगेगा, लेकिन अमेरिका, कैनेडा, यूके, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया में ज़्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि वहाँ करेंसी इंडियन करेंसी से ज़्यादा है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपको समझा सकता है जब आप उनके साथ इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिजिटल मार्केटिंग के जरिए। थर्ड हो गया आपका आपका जो हो गया न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स बहुत सारे आपको मैं आगे दिखा रहा हूँ। न्यूज़पेपर्स जितने सारे होते हैं आपका इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स होता है वहाँ का, जो येलो पेजेस, हाईटी का येलो पेजेस, हाईटी का जो क्लासिफाइड वेबसाइट्स, आईटी का न्यूज़पेपर्स, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स होता है, इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स होता है आईटी का, मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में, आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। तो मैंने आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ हाईटी आपको दिखा दिया, इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ हाईटी, इंपॉर्टेंट येलो पेजेस, इंपॉर्टेंट शॉपिंग साइट्स, इंपॉर्टेंट इंग्लिश एंड फ्रेंच न्यूज़पेपर्स ऑफ हाईटी। तो जितने सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट दिखा दिया, आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। और जितने सारे सर्च इंजिन्स हो गए हाईटी में, आप उसमें आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए। अगर आप एक ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर हो, तो आप उन वेबसाइट में लिस्ट कर लीजिए। लिस्ट करके आप कॉन्टैक्ट करिए, कंपनीज को ढूंढिए, और कंपनी को ढूंढ के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए ताकि वहाँ का जो कंपनी है, वहाँ का जो इंपोर्टर्स है, कंपनीज है, इन्हीं वेबसाइट को सर्च करने को आते तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, हो सकता है आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। जितने सारे न्यूज़पेपर्स दिखा दिया हाईटी का, फ्रेंच इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, आप उनमें पढ़िए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़िए, तो हाईटी के बारे में आपको काफ़ी चीज़, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा।
और अगर आपके पास बजट है तो आप इन्हीं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, इन्हीं न्यूज़पेपर का होम पेज में बैनर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। 6 महीना एक्सेल का एडवर्टाइजमेंट करिए ताकि वहाँ का लोग जब न्यूज़पेपर को पढ़ने को आएंगे आपका एडवर्टाइजमेंट उनको दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करके आपको वेबसाइट में जाएंगे, फिर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपका प्रोडक्ट सर्विसेज उनको पसंद आया था। तो यह भी एक तरीका है। और हाईटी में पोर्ट ऑफ प्रिंस में उनका जो राजधानी है, इंडियन कॉन्सुलेट जनरल है, हमारा इंडियन कॉन्सुलेट जनरल, गूगल में सर्च करिए इंडियन कॉन्सुलेट जनरल इन हाईटी, तो आपको इंडियन कॉन्सुलेट जनरल कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। तो आप उनकी ईमेल करिए कि हाईटी का अगर वहाँ का कंपनी का लिस्ट उनके पास है, ये कंपनी का डाटा है, तो आपको भेज देंगे। फिर आप ईमेल के जरिए वहाँ का कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो हाईटी, ये हो गया। और दूसरा है, आप हाईटी एंड अलग अलग कंट्री में, कैरिबियन में, हाईटी में जितने सारे कंट्रीज है, आप अमेरिका में, कनाडा में जाकर एक्सपो में भाग लीजिए। एक्सपो में भाग लोगे तो आपको हाईटी का इम्पोर्टर्स मिल जाएंगे। तो आप गूगल में सर्च करिए हाईटी एक्सपो, हाईटी एग्जीबिशन कहाँ कहाँ पर होता है, ज़्यादा करके अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन कंट्रीज़ में होता है। तो जहाँ पर हाईटी का एंड हाईटी का नेबरिंग कंट्रीज़ में होता है एक्सपो यानी एग्जीबिशन होता है, आप वहाँ पर जाइए, ट्रेड के हिसाब से, आपका प्रोडक्ट के हिसाब से जाइए, ज्वाइन करिए, एक्सपो में भाग लीजिए। तो एक्सपो में भाग लोगे तो वहाँ पर आपको इम्पोर्टर्स कॉन्टैक्ट मिल सकता है। और आप ज़्यादा पैसा है तो हाईटी में जाइए, हाईटी में 1-2 महीना रुक के मार्केटिंग करिए, फिर हाईटी से आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। तो बहुत सारा तरीका बता दिया हाईटी से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो आप कोई भी तरीका अपनाइए, मार्केटिंग खुद करने, मार्केटिंग खुद जाकर करिए। और मार्केटिंग करने के लिए आपको आपका जो वेबसाइट, वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज में बनाइए, वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज में बनाइए, एंड आपका जो प्रोफाइल एंड बिजनेस कार्ड को फ्रेंच लैंग्वेज में बनाइए जब आप हाईटी जाओगे, ट्रैवल करोगे, क्योंकि फ्रेंच में बात करते हैं, इंग्लिश ज़्यादा लोगों को नहीं आता है। फिर वहाँ पर जाओगे तो हाईटी में आप जाकर वहाँ मार्केटिंग कर सकते हैं। हाईटी में थोड़ा सेफ नहीं है क्योंकि वहाँ जो जॉब का प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। अगर आप ट्रैवल करते हो मार्केटिंग करने के लिए या बिजनेस के लिए जाते हो तो आप अपने थोड़ा कोशिश रहिए, सावधान रहिए, ताकि क्योंकि वहाँ थोड़ा ज़्यादा क्राइम्स होता है, तो इसलिए आप अपने आप को थोड़ा सावधान रखिएगा होटल्स में या रास्ते में। फिर मार्केटिंग करिए हाईटी में, मार्केटिंग करिए, फिर 1-2 महीना रुकिए, दुकान तो दुकान जाइए, फैक्ट्रीज़ में लोगों को मिलिए, फैक्ट्री का ओनर को मिलिए, इम्पोर्टर्स को मिलिए, कंपनीज को मिलिए, ऑफिसेस जाइए, तो आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगी। तो काफ़ी सारे तरीका बता दिया। अगर आप एक नया एक्सपोर्टर हो, पुराना एक्सपोर्टर हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज में बनाइए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए और आप स्टार्ट कर लीजिए। मैं आपको काफ़ी सारे एक्सपोर्ट का जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ ऑनलाइन में दे रहा हूँ, काफ़ी सारे कंट्रीज़ का वीडियो बना चुके हैं। फिलहाल ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग ऑनलाइन में आपको दे रहा हूँ, फ्री में है। तो आप हमारा वीडियोस देखते रहिए, आप हमारा वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए आपको फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस किसी के लिए काम आ जाएगी। और आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा जो वीडियोस, हम 300 के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं, 300 के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं एक्सपोर्ट के ऊपर। अगर आप एक्सपोर्ट सीखना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको हमारा वीडियोस को, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको हमारा 300 के ऊपर, 300 के ऊपर वीडियोज मिल जाएगा। वन बाय वन वीडियो देखते रहिए। फिलहाल ये फ्री में हम आपके लिए वीडियोज बना रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हमारा देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट करें और हमारा देश को लाभ आ जाए, हमारा देश में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और लोगों को नौकरी मिले। इसलिए फिलहाल हम आपके लिए फ्री में बना रहे हैं एक्सपोर्ट कैसे करें। तो आप हमारा ये चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, तो हमारा 300 के ऊपर वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। तो आप हमारा वीडियोज़ वन बाई वन देखते रहिए, फिर एक्सपोर्ट आप सीख जाइए, फिर आप खुद का एक्सपोर्ट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा असिस्टेंट चाहिए, हमारा असिस्टेंट चाहिए, हम आपको मदद करेंगे, जैसे कि आपका डिजिटल मार्केटिंग के लिए मदद करेंगे, एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए मदद करेंगे, एक्सपोर्ट में कैसे भाग लोगे मदद करेंगे, वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए मदद करेंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे, शेयर करेंगे। तो अगर आपको हमारा असिस्टेंट चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हमारा वन बाई वन वीडियोज़ देखिए और एक्सपोर्ट सीखिए और आपका खुद का एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करिए। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियोज आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारा काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आ जाए। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, आने वाले वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।